हमने पहले भी कहा है और आज भी इतना ही कहेंगे कि किसी को भी पार्टी के अनुशासन के दायरे से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। अनुशासन के दायरे के बाहर अगर कोई भी जाएगा तो स्वाभाविक रूप से पार्टी आवश्यक कदम उसके लिए उठाने पर मजबूर होगी। फिलहाल अभी हमारा इतना ही कहना है, कांग्रेस के नेताओं के पास और कांग्रेस पार्टी के पास आज स्थिति यह है कि चुनाव लड़ने वाले लोग भी उनके पास नहीं है, और इसलिए वो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लोग चुनाव लड़ने के लिए उनको मिलें। इससे साबित होता है कि कांग्रेस की आंतरिक स्थिति क्या है और कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर कितनी ज्यादा आशंकित है। जो मुझे कहना था अभी वो मैंने कह दिया है। अब आखिरकार कुछ निर्णय तो पार्टी ही करेगी, तो मैंने अभी अभी जो कहना चाहिए था वो अभी आप सबके सामने कहा है, और आने वाले समय में हमको जहां भी ऐसा लगेगा कि पार्टी को कोई कड़े कदम उठाना है, पार्टी पीछे नहीं हटेगी। सहकारी समितियां यहां पे मामले सामने आ रहे हैं। दुर्भाग्य से देश में घोटालों को जन्म देने वाली पार्टी और उसकी सरकारें और उसके नेता अगर ये कहें तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सहकारिता के क्षेत्र में वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पर ही ये सरकारी दफ्तरों से निकलकर सहकारिता आम जनता तक पहुंची है और लोगों को उसका लाभ हुआ है। कर्ज माफी को लेकर जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं किसानों को लेकर, जिन्होंने कर्ज नहीं लिया, कर्ज हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि कांग्रेस की कर्ज माफी की कोई योजना ही नहीं, कोई मंशा ही नहीं है। किसानों के साथ केवल छलावा है, धोखा है, भ्रम है। 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए अगर किसानों का ये कर्ज माफ करना है तो इतना बड़ा झूठ बोलने की आवश्यकता क्या थी। हमने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहे हैं कि कांग्रेस केवल लोकसभा चुनाव तक इंतजार कर रही है। लोकसभा चुनाव तक वो सारी वो बातें जिससे जनता को भ्रमित कर सकते हैं वो कहेंगे, और लोकसभा चुनाव के बाद कर्जमाफी के मामले में भी वही स्थिति होगी जो पंजाब और कर्नाटक में हुई है, यानी किसानों के साथ धोखा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने इसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि जो विधायक हैं तो चुनकर अभी आए हैं वो विधानसभा में अच्छा परफॉर्म करें। सर एक चीज बता दीजिए, विधानसभा चुनाव के पहले भी बाबूलाल गौर ने पार्टी की भर्ती कोई गई, बाबूलाल जरूरी है या मजबूरी है, क्या है? मुझे लगता है पार्टी चलाने की जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़े। लोकसभा चुनाव को लेकर अब हमारा क्या प्लान है? हम बैठक लगातार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कमर कस के तैयार है। आगामी कार्यक्रम निर्धारित हैं, उन कार्यक्रमों को लेकर अलग अलग बैठकें भी जिलों के अनुसार, संभाग के अनुसार हो रही हैं, और उन सारे कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता तक पहुंचेंगे। पिछली बार 29 में से 26 सीटें हमारे पास में अभी हैं वर्तमान में लोकसभा की। हमारी कोशिश होगी कि 29 में से 29 सीटें हम जीतें और ताकत के साथ हम लड़ेंगे 29 में से 29 सीटें जीतने की।